हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में कुश्ती यानी रेसलिंग से रिलेटेड 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके रूल्स, रेगुलेशंस, हिस्ट्री, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कुश्ती से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ेंगे। एंड दोस्तों, ये आप एमपी टेट वर्क 2-3 का रिजल्ट आ गया है। आप सभी मेन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी शिद्दत के साथ, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देगा, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। ये आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों। और ये मत सोचिएगा कि हम टेट पास कर गए तो वो आपका निश्चित हो जाएगा। निश्चित तो होगा ही, आपका सिर पक्का है, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेन एग्जाम में आपका कंपटीशन हाई होता है, आपको सबसे आगे होना पड़ता है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपीटीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो, किसी का भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। कम से कम 8 से 10 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा चुकी हूँ और मैं इसको जारी रखूंगी। मेन एग्जाम का प्रिपरेशन चालू हो गया है, डेली बेसिस पे आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ जुड़ जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कुश्ती यानी रेसलिंग से। सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कुश्ती यानी रेसलिंग, इसकी शुरुआत दो प्रकार से होती है, एक ग्रीको रोमन, एक फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन जो पुरानी पद्धति है, इसका यह जो है 1896 एथेंस ओलंपिक में शामिल है। एंड जो फ्री स्टाइल कुश्ती है 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल है। एंड महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया कुश्ती में 2004 एथेंस ओलंपिक में। जैसा कि दोस्तों पौराणिक ग्रंथों में ही कुश्ती का उल्लेख रहा है, जैसे कि रामायण महाभारत आपने देखा होगा। एंड इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कुश्ती में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो इन चारों ऑप्शन में से मानसिंह राव को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ यानी फीला, फीला जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी ल्यूट्स एसोसिएशन। इसको हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1912 में हुआ था एंड इसके हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। एंड दोस्तों बात करें भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI को, तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुआ और इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती दोस्तों स्पार्टा काल में काफी प्रचलित हुआ करता था और कुश्ती को यूनान के पूर्व एथेंस काल में पैलेस्ट्रा कहा जाता था, यानी कि एक व्यायामशाला होता था जिसे पैलेस्ट्रा कहा जाता था। ये व्यायामशाला में खेला जाता था कुश्ती को। यूनान के पूर्व एथेंस काल में क्या बोला जाता था? पैलेस्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री स्टाइल कुश्ती को पुरुषों के लिए ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो फ्री स्टाइल कुश्ती को शामिल किया गया 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में। कब शामिल किया गया? 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में। अगर आपसे पूछे कोई ग्रीको रोमा कुश्ती ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1896 एथेंस ओलंपिक में। दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड महिलाओं को कुश्ती में कब शामिल, महिलाओं को कुश्ती में ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 2004 एथेंस ओलंपिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन कुश्ती से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे भालचंद्र भास्कर भागवत हैं, और कौन है यहाँ पे, राज सिंह है, सतपाल सिंह है, सतपाल सिंह सुशील कुमार के गुरु भी थे,
कोच भी थे एंड यहाँ पे रोहित भाकर नहीं है कुश्ती से रिलेटेड और तीनों हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों यहाँ पे 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में केडी जाधव जी ने सर्वप्रथम कुश्ती के क्षेत्र में ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त किया 57 kg भार वर्ग में, यानी कहाँ से पदक ये प्राप्त किए थे? एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए ये प्रथम पदक प्राप्त किए थे। बात करते हैं ओलंपिक में कुश्ती में कौन कौन पदक प्राप्त किए हैं, तो 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में कहाँ से पदक प्राप्त किए हैं केडी जाधव 57 kg भार वर्ग में। उसके बाद सुशील कुमार 2008 बीजिंग चीन में कहाँ से पदक 66 kg भार वर्ग में, और सुशील कुमार ने 2012 में लंदन ओलंपिक में भी रजत पदक प्राप्त किया है। एंड योगेश्वर दत्त जो है 2012 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं एंड साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक में 58 kg भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। साक्षी मलिक जो है प्रथम भारतीय महिला रेसलर बनी 2016 में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली। एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया 57 kg भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किए हैं एंड बजरंग पुनिया 65 kg में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में दो पदक प्राप्त हुआ है कुश्ती से, एक रवि कुमार दहिया 57 kg में रजत पदक एंड बजरंग पुनिया 65 kg में कांस्य पदक। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि किस ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। दोस्तों तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया एंड 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुशील कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, मेट के केंद्रीय कुश्ती क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों कुश्ती का जो डायमीटर होता है बीच में गोलाकार और 9 मीटर गोला क्षेत्र होता है, जबकि उसके बाद जो केंद्रीय गोला होता है उस क्षेत्र का जो व्यास होता है वह कितना होता है? 7 मीटर के होता है। कितना होता है? 7 मीटर। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कुश्ती से संबंधित क्या गलत है? दोस्तों कुश्ती का जो मैट क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई होता है 12x12 मीटर का होता है, मैट का वृत्त का जो डायमीटर होता है 9 मीटर गोलाकार होता है एंड सेंटर में जो उसके बाद दूसरा गोला होता है वो उसका डायमीटर 7 मीटर होता है, एक सेंटर में सबसे छोटा गोला होता है उसमें 1 मीटर नारंगी रंग का बॉर्डर, सेंटर में भी एक छोटा गोला होता है वो 1 मीटर व्यास का एक केंद्र सर्कल होता है जिसकी रेखाओं की मोटाई 10 cm होती है। तो यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कुश्ती से संबंधित क्या गलत है, तो इसमें आपको गलत छांटना है क्या गलत है। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि सर्कल के बाहर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है, तो जो 12x12 मीटर का मैट क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई होता है उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है सर्कल के वो सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है, राइट है। एंड ख है कि 9 मीटर व्यास के सर्कल के अंदर 1 मीटर नारंगी रंग का बॉर्डर पैसिविटी जोन के रूप में होता है, तो ये भी राइट है। एंड घ है, मैट के बीचों बीच 1 मीटर का व्यास का एक केंद्र सर्कल होता है जिसकी रेखाओं की मोटाई 10 cm होती है, ये भी राइट है। बट आपका आसन नंबर ग जो है वह रांग है, यानी गलत है कि 80 kg के ऊपर के वजन का खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता, ये आपका रांग है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बाउट में कितने राउंड होते हैं? तो कुश्ती में एक बाउट में 2 राउंड होते हैं, 3-3 मिनट के 2 राउंड और प्रत्येक राउंड के पश्चात 30 सेकेंड का ब्रेक होता है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का होता है। प्रत्येक मुकाबले का मतलब एक बाउट
कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का। राउंड पूछेगा कि 2 राउंड का 3-3 मिनट के, ठीक है। अब प्रत्येक राउंड के बीच कितने मिनट का ब्रेक होता है? तो 30 सेकेंड का। कितने मिनट का? 30 सेकेंड का। कितने समय का? 30 सेकेंड का, ठीक। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक बाउंड के पश्चात खिलाड़ी को अगली बाउंड लड़ने के लिए कितने मिनट का आराम कम से कम दिया जाता है? तो 15 मिनट का। तो याद रखिएगा, कुश्ती में एक बाउंड का समय 6 मिनट, यानी कि 2 राउंड 3-3 मिनट के 2 राउंड, और प्रत्येक राउंड के बीच 30 सेकेंड का ब्रेक होता है। और एक बाउंड के पश्चात अगली बाउंड लड़ने के बीच में जो ब्रेक होता है 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, वह प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैट लगाया जाता है उसकी कम से कम अधिक से अधिक ऊंचाई, कम से कम व अधिक से अधिक ऊंचाई, दोनों में ध्यान में रखिएगा। कम से कम जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैट लगाया जाता है उसकी कम से कम व अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है क, 80 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। कम से कम पूछेगा, कहीं क्वेश्चंस घुमा के पूछ देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कम से कम 80 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अगर किसी पुरुष पहलवान का भार 66.1 किलोग्राम है तो वह किस भार वर्ग में प्रतिभाग करेगा? तो इसका राइट आंसर है 74 किलोग्राम भार वर्ग। दोस्तों इसको मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर, और मैंने बुक में पढ़ा तो 74 किलोग्राम भार वर्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती में उन मैचों को क्या कहते हैं जिसमें फाइनल में पहुंचने वाले दोनों खिलाड़ियों से हारे हुए खिलाड़ियों के मध्य अलग अलग समूह में मैच होता है? यानी कि कुश्ती में फाइनल तक मैच होता है और फाइनल में पहुंचने वाले जो दो खिलाड़ी होते हैं उनसे जो खिलाड़ी हारे हुए हैं उनके मध्य अलग अलग मैच होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है रेप चेज मैच। क्या बोला जाता है? रेप चेज मैच। आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन उलट करके पूछता है, घुमा करके पूछता है कि रेप चेज मैच किस खेल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी भार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या, अगर किसी भार वर्ग में खिलाड़ियों की संख्या 1 से कम हो तो उनके मध्य लीग मैच होते हैं, तो वह कौन सा टूर्नामेंट होता है? दोस्तों तो वह टूर्नामेंट होता है नॉर्डिक टूर्नामेंट, ठीक है। नॉर्डिक टूर्नामेंट किससे संबंधित है? तो कुश्ती से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी इस भार वर्ग में 5वीं से 10वीं रैंक स्तर पर आने वाले खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप क्या दिया जाता है? तो 5वीं से 10वीं रैंक पर आने वाले किसी भी भार चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी भी भार वर्ग में 5वीं से 10वीं रैंक पर जो खिलाड़ी आएगा उसको सम्मान स्वरूप डिप्लोमा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिप्लोमा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दोनों कंधे मैट को छू जाते हैं या लग जाते हैं तो रेफरी द्वारा क्या बोला जाता है? तो उसे टच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टच बोला जाता है। जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दोनों कंधे मैट को छू जाते हैं या लग जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है रेफरी के द्वारा? टच। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक बाउंड के पश्चात खिलाड़ी को अगली बाउंड लड़ने के लिए कितने मिनट का आराम कम से कम दिया जाता है? दोस्तों तो 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाउंड में एक राउंड के बाद कितना मध्यांतर दिया जाता है? तो एक राउंड, जैसे कि एक बाउंड 6 मिनट का होता है यानी 2 राउंड होता है 30-30 सेकेंड के, 3-3 मिनट के 2 राउंड, और प्रत्येक राउंड के बाद जो ब्रेक मिलता है, मध्यांतर मिलता है, वह 30 सेकेंड का मिलता है। कितना मिलता है? 30 सेकेंड का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में कितने अंक का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजयी घोषित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फ्री स्टाइल कुश्ती में 10 पॉइंट का अंतर होने पर, कितने पॉइंट का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजयी घोषित किया जाता है?
10 पॉइंट के अंतर होने पर फ्री स्टाइल कुश्ती में, ठीक है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती में 10 अंक का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजयी घोषित किया जाता है। एंड जब ग्रीको रोमन रहेगा तो 8 अंक का अंतर रहेगा तब विजयी घोषित किया जाएगा। दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कुश्ती की बाउट जीतने के संबंध में क्या गलत है। तो यहाँ पे आपको जो गलत है उसको छांटना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि दोनों कंधे टच होने वाला को हम टच कहते हैं, और जो जिसके दोनों कंधे टच होते हैं उसको बाउट जीतता है, वही खिलाड़ी क्या करता है, बाउट जीतता है। एंड ख है चोट लगने के पश्चात आगे ना खेलने पर प्रतिद्वंदी विजयी हो जाता है। मान लीजिए किसी खिलाड़ी को चोट लग गया और वो कहता है आगे हम नहीं खेलेंगे, तो जो प्रतिद्वंदी होता है वो विजयी हो जाता है। एंड ग है ग्रीको रोमन कुश्ती में 8 अंक के अंतर वाला विजयी होता है। तो ये याद रखिएगा, ये राइट है। अगर फ्री स्टाइल कुश्ती है तो 10 पॉइंट का अंतर होने पर विजयी, और ग्रीको रोमन कुश्ती है तो 8 अंक के अंतर होने वाला विजयी होगा। एंड यहाँ पे गलत कौन है, घ आपका गलत है कि बराबरी पर टॉस जीतने वाला विजयी होगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर घ राइट है। नेक्स्ट है कुश्ती के बाउट के लिए खिलाड़ी के लिए पुकार कितने बार व कितने सेकेंड के पश्चात की जाती है। तो कुश्ती के बाउट यानी कि जो मैदान में बाउट होना है, राउंड होना है, उसके लिए खिलाड़ी के लिए रेफरी पुकार करेगा तो कितनी बार और कितने सेकेंड के पश्चात करेगा। तो 3 बार पुकारेगा, 3 बार पुकारेगा 30-30 सेकेंड के पश्चात। नेक्स्ट है पैसिविटी। पैसिविटी क्या है, पैसिविटी रूल के अंतर्गत फ्री स्टाइल में अंक अर्जित करने के लिए पैसिव खिलाड़ी को कितना समय दिया जाता है। तो उसे 30 सेकेंड दिया जाता है, कितना, ओनली 30 सेकेंड। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैसिविटी नियम किस खेल के अंतर्गत आता है, तो कुश्ती के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसिविटी नियम के अंतर्गत 30 सेकेंड में अगर पैसिव खिलाड़ी अंक नहीं बनाता है तो निर्णय क्या होगा। तो उस स्थिति में निर्णय दोस्तों दूसरे खिलाड़ी को 1 अंक दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुश्ती में 1 अंक के लिए निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि संबंधित क्या नहीं है। 1 आपका इसमें संबंधित नहीं है, 3 संबंधित है, जो संबंधित नहीं है उसको आपको ढूंढना है। तो कुश्ती में 1 अंक के लिए निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका टच या फाल के सिग्नल जो है वो संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है, टच या फाल के सिग्नल पर ए संबंधित नहीं है। और संबंधित क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ये संबंधित है किसी खिलाड़ी का रेड जोन पर आना संबंधित है, किसी नीचे की स्थिति से ऊपर को आना संबंधित है, पैसिविटी नियम से या प्रतिद्वंदी घुटने के बल हो और उसे पीछे से नियंत्रित करके रखा हो, ये सभी संबंधित है, बट गो ऑप्शन आपका सही संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है अगर खिलाड़ी ए के अंक 6 हैं और बी ने बड़ी जोर अजमाइश के पश्चात टच या फाल कर दिया हो तो निर्णय क्या होगा। तो इस कंडीशन में निर्णय क्या होगा, तो खिलाड़ी बी आपका विजयी होगा। क्या होगा, खिलाड़ी बी आपका विजयी होगा। नेक्स्ट है खिलाड़ी ए को खड़े हुए स्थिति से खिलाड़ी बी द्वारा डेंजर स्थिति में लाने पर कितने अंक मिलते हैं। मान लीजिए खिलाड़ी ए खड़ा है और खिलाड़ी बी जो है उसको डेंजर स्थिति में ला देता है, तो ऐसे में खिलाड़ी ए को कितना अंक दिया जाएगा, तो 4 अंक दिया जाएगा। कितना, 4 अंक दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ग राइट है। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर खिलाड़ी ए को पट स्थिति से यानी कि वो लेटा हुआ स्थिति में है, पट है, उस स्थिति से जेंडर स्थिति पर लाने पर उसे कितना अंक दिया जाएगा। तो खड़े होने पर तो 4 अंक, जेंडर लाने पर अगर खड़ा है तो बी खिलाड़ी डेंजर स्थिति में लाता है तो ए को 4 अंक मिलता है, अगर पट स्थिति में डेंजर स्थिति में लाता है तो उसे 2 अंक मिलता है। कितना, 2 अंक मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों
यूडब्ल्यूडब्ल्यू का विश्व चैंपियनशिप में कितने भार वर्ग होते हैं? तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू में का विश्व चैंपियनशिप में 10 भार वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10। सभी क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिए। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय है हवलदार उदयचंद। कौन है? हवलदार उदयचंद। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पहलवान कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पहलवान है लीला राम। कौन है? लीला राम को याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ग्रीको रोमन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? तो ग्रीको रोमन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारतीय है संदीप यादव। कौन है? संदीप यादव। नेक्स्ट है, इनमें से किसने फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग में पदक जीता है? तो फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग में पदक किसने जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे गीता फोगाट, बबीता, अलका तोमर, ये तीनों के तीनों ने पदक जीता है महिला वर्ग में, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला है गीता फोगाट, इसको भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कुश्ती से संबंधित नहीं है दोस्तों? कुश्ती के खिलाड़ी को ग्रैपलर्स या पैल कहते हैं, और इसमें बाउट शब्द का प्रयोग होता है, बट पुगलिस्ट नहीं कहते हैं। तो पुगलिस्ट इसमें संबंधित नहीं है, पुगलिस्ट इसमें संबंधित नहीं है, क्योंकि पुगलिस्ट मुक्केबाज यानी बॉक्सिंग के खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है। तो किसके खिलाड़ी को क्या बोला जाता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बट फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगी एक दो दिन के अंतर पर। किसी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था तो सॉरी उनके लिए, मैंने बोला था कि एक दो दिन में बना दूंगी बट किसी कारणवश नहीं बना सकी, तो मैं कल परसों के अंतर में उसे बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कुश्ती से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मैट चेयरमैन, टेक्निकल सुपीरियोरिटी एंड वेट कैटेगरी है, बट पंच नहीं है, क्योंकि पंच शब्द जो होता है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों ये था 35 एमसीक्यू क्वेश्चन कुश्ती से रिलेटेड। एंड कुश्ती में एक शब्द होता है अखाड़ा, पूछेगा अगर कि अखाड़ा किस खेल से संबंधित है तो कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। एंड दोस्तों ये था 35 क्वेश्चन, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो को इसी तरह पूरा देखते रहिए, पूरा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं आपके हित में आपको एग्जाम पॉइंट को सोच कर वीडियो बनाती हूँ, फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ, टाइम पास नहीं करती हूँ, जो भी देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपके हित के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट आपके पास होने के लिए, आपको क्लियर होने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।